Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. अरबाज खान का नाम आईपीएल सट्टेबाजी में आने के बाद से ही इसे लेकर अब तक हलचल मची हुई है। सट्टेबाजी मामले में बुकी सोनू जलान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद उसने ठाणे क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल के सामने बॉलीवुड के एक और बड़े नाम का खुलासा किया है। रिपोर्ट्स की माने तो सोनू जलान ने फिल्म मेकर साजिद खान पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि उन्होंने साल 2008 में खेले गए क्रिकेट मैच में सट्टा लगाया था। सोनू से हुई पूछताछ में उसने यह कहा कि किसी तरह के पैसे की लेन देन नहीं हुई थी और उसके बाद साजिद खान अमेरिका चले गए थे। जाला ने यह भी कहा कि साजिद खान का मैच पर काफी गौर से नजर रखना जारी था, लेकिन तब वे सट्टा का काम बंद कर चुके थे। मंगलवार को ठाणे क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा, खासतौर पर वह सट्टा मैच के किसी एक सेशन में लगाता था, जिसमें कोई व्यक्ति मैच के 5 ओवर में या फिर लंच ब्रेक का टी ब्रेक से पहले कितने रन बन सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाकर पैसे जीत सकता था। उन्होंने कहा कि उनकी जांच केवल खान पर फोकस नहीं थी, बल्कि जालान और उनके साथियों द्वारा चलाए जा रहे रैकेट उनके निशाने पर था। शर्मा ने आगे कहा कि खान मौजूदा सट्टेबाजी वाले रैकेट से जुड़े नहीं हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भाई अरबाज खान द्वारा पूछताछ में आईपीएल में सट्टेबाजी की बात स्वीकार करने के बाद ही इस केस में साजिद खान का नाम सामने आया है। आईपीएल सट्टेबाजी में नाम आने और समन मिलने के बाद अरबाज खान पूछताछ के लिए शनिवार को ठाणे के क्राइम ब्रांच ऑफिस में पहुंचे थे।